आपकी रेड के दौरान उसको कोई मुखबरी कर देता था, वो भाग भी जाता होगा वहाँ से, तो उसके लिए क्या लाहे अमल बनाया था? वो भागता इस तरह नहीं था, वो बेसिकली बड़ा श्रूट था और बड़ा तेज था, गाड़ियां बदलता रहता था, अपने ठिकाने बदलता रहता था, अपने मोबाइल चेंज करता रहता था। इतना तेज तो उसको आइडिया था, वो मोबाइल ही फेंक देता था पूरे का पूरा, सिर्फ सेम नहीं था चेंज करता, इतना वो तेज था, उसको समझ थी सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन अहमद शाह साहब हैं जिन्होंने डबल शाह को पकड़ा था। डबल शाह वो शख्स था जिसने 2008 में तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए लोगों से हथियाए और हथियाने के बाद उनको डबल करके उनको लालच दिया करता था कि डबल करने के बाद ये तमाम के तमाम पैसे आपको दे दिए जाएंगे। सैयद हसनैन शाह साहब उस वक्त डेप्टी डायरेक्टर थे। 2008 में डॉन अखबार में एक खबर लगती है कि एक शख्स वजीराबाद में हेलीकॉप्टर के जरिए अपने पीरो मुर्शिद जो कि झुग्गियों में रहते हैं उन पर पैसों की बारिश करेगा। जब ये खबर नैब की नजरों से गुजरी तो नैब मुतहरिक हुआ और तमाम ताने बाने आपस में मिलने लगे और फिर उसके बाद उस शख्स तक पहुंचा गया जिसका नाम डबल शाह था। और जिस वक्त इन्होंने डबल शाह को पकड़ने के लिए रेड की थी, पहली रेड में तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार के साथ मौजूद थे और फाइनली जब उसको पकड़ लिया गया था तो उस वक्त तकरीबन 300 से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग और नैब की जो एक अपनी पुलिस होती है, एक पूरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद उसको पकड़ा गया। डबल शाह करैक्टर क्या था, असल में उसका असल नाम क्या था और वो पेशा क्या था उसका? असल नाम उसका सिबूतुल हसन गिलानी था, पेशा उनका जो था वो टीचर थे मैथमेटिक्स के और वजीराबाद में पढ़ाते थे। यहाँ से छुट्टी लेके वो दुबई चले गए थे, वहां से उन्होंने ये आईडिया लिया और उसके बाद फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इस आईडिया पे वो काम एक्चुअली करता किस तरीके से था, मतलब 10 दिन में, 20 दिन में, 70 दिन में, 90 दिन में, हमने कुछ इस तरह की भी कहानी सुनी है। इनिशियली तो वो 15 दिन की कमिटमेंट पे पैसे डबल करके दे देता था और लेकिन लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पीरियड उसने एनहांस कर दिया और वो 90 दिन का कर दिया। मतलब अगर मेरे पास 20,000 रुपए है और मैं अगर डबल शाह के पास जाता तो उसको वो डबल कैसे करता? प्रैक्टिकली तो कोई डबल होने का चांस ही नहीं था, ना ही होते थे वो पैसे। ऐसे ही होते थे कि जो लोग दे के जाते थे वो देने वाले ज्यादा होते थे और वापस वाले कम होते थे, और जो देते थे वो जब वापस डबल ले लेते थे उससे तो उनका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज कर जाता था, अगले ही दिन जाके वो पैसे वापस उसको दे देते थे। इसको भी मजीद डबल कर दो, ना सिर्फ वो पैसे जो डबल करके ले गए होते थे वो वापस दे देते थे, बल्कि वो अपने जेवरात औरतें बेच देती थी, अपने मवेशी बेच देते थे, अपनी ज़मीनें बेच देती थी। ज़मीनों की वैल्यू नीचे आ गई थी बहुत ज़्यादा उस पूरे एरिया के अंदर, वजीराबाद गुजरावाला। कुछ सबसे पहले इस शख्सियत के बारे में पता कैसे चला था? हमने अखबार में जब एक खबर आई थी 23 मार्च 2008 को कि ये अपने पीर साहब के ऊपर झुग्गियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश करेंगे डबल शाह साहब, जी हाँ, तो उस पर फिर नैब अलर्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि इनको चेक करें कि कौन बंदा है और क्या ये करना चाह रहे हैं, वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया था। डीएसपी साहब जो थे जिनके पास एक बुजुर्ग शख्सियत आई थी, वो क्या वाकया था जिससे आपको पता चला था कि एक्चुअली ये वारदात डालता है और पैसों को डबल करता है या झांसा देता है? जब हमने डबल शाह को इनिशियल इंटेरोगेट कर रहे थे गुजरावाला मालडाउन पुलिस स्टेशन में, तो डीएसपी जो था पुलिस स्टेशन का, मालडाउन पुलिस स्टेशन का, हमारे पास आया, उसने कहा बाहर एक पापा जी आए बड़े रो रहे हैं और नैब वालों से मिलना चाह रहे हैं। हमने बुलाया, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डबल शाह को मैंने पैसे दिए थे 5 लाख रुपया, जो कि 10 लाख रुपया उसने मुझे 5 अप्रैल को वापस कर दिए, तो मैंने अपनी बीवी के जेवर बेच के 5 लाख रुपया उसको दे के आया था, तो मैंने वापस बीवी को दिया 5 लाख रुपया कि ये जो तुम्हारे जेवर है तुम वापस अच्छे से बनवा लो और जो ऊपर वाला 5 लाख है हम उसकी कोई गाड़ी शाड़ी ले लेते हैं। कहते हैं जी उसके बाद आपने इसको गिरफ्तार कर लिया, तो मुझे पता चला कि आपने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं अपनी बीवी के पास गया और उसको कहा कि पली लोके सारी उम्र में तेरे बड़ी वफा की है, एक बेवफाई की है, तो तू मुझे माफ़ी दे दे। तो उसने मुझे पूछा कि क्या किया है, तो कहते मैंने उसको बताया कि जो 5 लाख रुपया डबल होया सी ना शाह जी को डबल होकर मिलया सी, वो मैं शाहरा फिर डबल शाह फिर दे आया वा ताकि वो 10 लाख हो जाए तो असी कोई गड्डी चंगी ले लीए, तो उन्होंने तो नैब वाले फट के लाए गए ने, तो 5 लाख रुपया साढ़ा डुब गया वे, तो शुक्र है साड़ी असली रकम तो बच गई है जेवर वाली। तो कहते मेरी बीवी ने कहा कि सारी उम्र बाबा जी थोड़े नाल मैं ही बड़ी वफा की है, एक बेवफाई मैं भी की थी, तुम भी मैंने माफ़ कर दो। हमने पूछा कि उसने क्या किया, कहता जी मैंने भी उसने पूछा कि तू की किया है, उसने कहा कि जी वो 5 लाख रुपया जरा जेवर वाला तू मैं दिता सी ना वो तेरे तो चोरी, मैं वो भी डबल शाह साहब नू दे आई हाँ। यानी कि बुजुर्ग भी लुट गए और उनकी
बेगम भी लुट गई। उसके बाद जो है कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब आप उसको रेड करने के लिए जाते थे कितने कितने लोग आपके साथ होते थे और गिरफ्तार आपने किस एक्चुअल जगह से उसको किया था? बेसिकली जब हमने स्टार्ट में ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो हमने लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया था, तो लोकल पुलिस की तो बड़ी हैवी नफरी थी, लेकिन वो इनिशियली जब अरेस्ट ना हुए तो फिर हमने लोकल पुलिस को सेपरेट कर दिया, फिर हम अपने ही लोग लाहौर से ही लेके जाते थे और उन्हीं के थ्रू ऑपरेशन कर रहे थे सारा। यानी एक मैथमेटिक्स का टीचर, उसका नाम था सैयद सिप्तुल हसन गिलानी, उसने मतलब पूरे वजीराबाद गुजरांवाला समेत एक पंजाब में, मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान में एक ढाक बिठा दी थी। तो डबल शाह का लकब आपने उसको दिया था कि वो पैसे डबल करता था? नहीं नहीं, वो तो पूरे इलाके में मशहूर था कि ये डबल शाह है, जहाँ सा दे रहा था पैसे एक्चुअली तो डबल नहीं करता था। जब आपने उससे इंटरोगेशन की, आपने उससे पूछा तो होगा कि यार ये इतना शैतानी आइडिया तुम्हारे माइंड में आया कैसे? नहीं, वो तो हमें इनिशियली पता चल गया था, ये आइडिया वो दुबई से लेके आया था और दुबई में ही उसने ये काम सीखा था। दुबई में एक और स्कूल टीचर था जहाँ पे ये भी पढ़ाता था, वहाँ से उसको ये आइडिया मिला था। जब आपकी रेड के दौरान उसको कोई मुखबरी कर देता था वो भाग भी जाता होगा वहाँ से, तो उसके लिए क्या लाहे अमल बनाया था? वो भागता इस तरह नहीं था, वो बेसिकली बड़ा शरूर था और बड़ा तेज था, गाड़ियां बदलता रहता था, अपने ठिकाने बदलता रहता था, अपने मोबाइल्स चेंज करता रहता था। वो इतना तेज था, उसको आइडिया था, वो मोबाइल ही फेंक देता था पूरे का पूरा, सिर्फ सिम नहीं था चेंज करता, इतना वो तेज था, उसको समझ थी सारी। शाह साहब, बहुत से लोगों के साथ स्कैम होता है पाकिस्तानियों में, खासतौर पर जो भोले भाले पाकिस्तानी है, सादा लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इन स्कैम से किस तरीके से बचा जा सकता है? देखें कि हम तो यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंक्स के अंदर ही पैसे जमा करवाएं, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है मसलन लाहौर में LDA से, इस्लामाबाद में CDA से, उनके जो हेल्प के डेस्क बने हुए वहाँ से उसके टाइटल की वेरिफिकेशन करके ही इन्वेस्टमेंट करें, वैसे किसी को पैसे ना दें। जी, डबल शाह स्कैम के बारे में आपने तफसीली गुफ्तगु जो है सैयद हसनैन शाह साहब की सुनी, और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तुलबा और तलबा जिनका ताल्लुक पूरे पंजाब से है, उनका एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन नैब ने करवाया और उसके बाद जो जीतने वाले तुलबा थे उनमें भी इनामात तकसीम किए गए नैब की जानिब से, और जो तालिबात थी उनको भी इनामात से नवाजा गया। लेकिन सर, इन पेंटिंग्स का नैब से क्या ताल्लुक है, इस इवेंट का क्या मकसद था? बेसिकली नैब 3-pronged स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट। हमारे जो चेयरमैन है जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी और डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि जहाँ पे ऑपरेशनल काम हो रहा है उसके साथ साथ ही अवेयरनेस और प्रिवेंशन का काम भी उसी स्पीड से हो। सेकेंडली, पाकिस्तान जो है वो UNCAC का सिग्नेटरी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का, तो बीइंग एन एपेक्स एजेंसी हम इस तरह के सारे प्रोग्राम्स करा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं UNCAC के, उसमें 9th ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पे, तो उस डे की सेलिब्रेशन के तौर पे पूरे पंजाब के अंदर जो हमारी जुरिस्डिक्शन में 5 सिविल डिवीजन्स आते हैं, उन सिविल डिवीजन्स के अंदर हमने तमाम कॉलेजेस में पेंटिंग पोस्टर्स के कॉम्पिटिशन्स कराए हैं इस थीम के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल और करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। इसी तरीके से ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए गए हैं, इसी तरीके से डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करवाए गए हैं। तो आज लाहौर में जो ये हमारे ऑफिस में प्रोग्राम हो रहा है, ये बेसिकली उसी सिलसिले का प्रोविंशियल प्रोग्राम है, और डिविनल जितने भी कॉम्पिटिशन से बच्चे जीते हुए उनका ये आपस में कंपटीशन हो रहा है, इनको फिर हम 9 दिसंबर को प्राइजेस वगैरह देंगे। मजीद जो है 9th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा, उस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।